गाइस, समझते कि हम छो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस जुपिटर 125 सीसी के बारे में, जो कि फिलहाल हमारे पास दो कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। तो बहुत ही डिटेल वीडियो है, तो दोनों ऑप्शन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, तो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है और क्या बेहतरीन कंपनी ने नया लॉन्च किया हुआ, सब कुछ डिटेल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पे दो कलर अवेलेबल है, ये ब्लू कलर है और साथ में ग्रे कलर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से फ्रंट लुक से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हेडलैम्प काफ़ी अच्छा, काफ़ी वाइड देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ऊपर चलते हुए तो यहाँ पे जो क्रोम का गार्निशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ दोनों तरफ क्रोम का गार्निशिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे चलते हुए तो यहाँ सेंटर में टीवीएस का बेंचमार्क देखने को मिलेगा, तो 3D लोगो टाइप बेंचमार्क है। और यहाँ पे नीचे चलते हुए तो ये जो कर्व्स वगैरह देख रहे हो, वो एरोडायनेमिक कर्व्स, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ में यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन, और यहाँ पे नीचे चलते हुए तो यहाँ पे टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी वाइड टर्न इंडिकेशन है, आप देख सकते हो कि डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे दोनों तरफ क्रोम का गार्निशिंग देखने को मिल रहा है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो सबसे पहला डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो स्कूटी है उसमें आपको यहाँ पर क्रोम का गार्निशिंग नहीं देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे ऊपर भी आपको जो साइड ग्लास मिरर है वो यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक साइड ग्लास है। और अगर इस तरफ आते हुए तो यहाँ पे आपको क्रोम का गार्निशिंग साइड ग्लास पे भी देखने को मिलेगा। तो ये छोटे मोटे कॉस्मेटिक डिफरेंस ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नीचे चलते हुए तो आप देख सकते हो कि डिज़ाइन वगैरह काफ़ी खूबसूरत है। तो फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल रहा है। साथ में ये आप देख रहे हो कि जो टायर्स है वो आपको इसमें एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। और जो हमारी जो दूसरी स्कूटी है जो ग्रे कलर में, उसमें आपको नॉर्मल स्टील टायर देखने को मिलेंगे, उसमें आपको एलॉय व्हील्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये एक और डिफरेंस है। साथ में ये स्कूटर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, तो इस तरफ से, तो यहाँ पे इस तरफ देखते हुए तो आपको इसमें 12 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही बड़े डायमीटर का डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी हद तक अच्छी होगी इस स्कूटर की। और अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो आपको इसमें डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा और बाकी सब कुछ सेम है। आपको ट्यूबलेस टायर भी इसमें मिलेगा, साथ में रिफ्लेक्टर वगैरह मिलेंगे और सस्पेंशन वगैरह टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। खाली डिस्क ब्रेक इसमें नहीं है, इसमें ड्रम ब्रेक है। और दूसरी चीज़, इसमें इस टायर में आपको स्टील टायर मिल रहे हैं, उस स्कूटी में आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो क्रोम का गार्निशिंग दे रखा है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है लुक को। और पूरा काफ़ी वाइड हैंडल बार है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे दो बटन्स भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी जल्दी से स्कूटर को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से बहुत ही मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा ये डिस्प्ले जैसा देखने को मिल रहा है। तो यह आप देख रहे हो कि स्पीड वगैरह है वो आपको डिजिटली नहीं दिखाएगी, वो आपको ओडोमीटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेंटर में आपको टीवीएस का लोगो देखने को मिल रहा है और इस तरफ आपको छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, उसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। पेट्रोल इंडिकेशन है वो आप डिजिटली देख सकते हो, साथ में किलोमीटर है। तो यहीं से आप मोड्स वगैरह भी चेंज करके यहाँ पर चेंज देख सकते हो कि क्लॉक आ रही है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल, लो फ्यूल। तो बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इसमें से देख सकते हो। और यहाँ ऊपर भी बहुत सारे लोगों में आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लो फ्यूल इंडिकेशन की नोटिफिकेशन है, इंजन चेक लाइट है और बहुत सारी एक दो और नोटिफिकेशन है। और साथ में यहाँ पे अगर आप इको मोड में चलाते हो तो यहाँ पे ग्रीन लाइट होगी। और उसके बाजू में जो पावर मोड में जाएगा, जब आप अपने खींचते हैं स्कूटी तब वो पावर मोड में चला जाएगा, तब थोड़ा आपका एवरेज डाउन होगा, तो वो भी सिस्टम। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो अगर इस तरफ के हैंडल बार की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिलेगा, साथ में एक नया टेक्नोलॉजी जो कि टीवीएस ने लॉन्च किया हुआ है अभी। तो अगर आप ट्रैफिक वगैरह में खड़े रहते हो जब भी स्कूटी वगैरह लेके, तो आपको इंजन क्विल स्विच जैसा ही है, फंक्शन वैसा ही है। लेकिन अगर आप ये ऑटो मोड पर अगर आपने ऑन रखा है स्विच, तो अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो और अगर आप
ब्रेक्स दबाते हो तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। अगर आप ट्रैफिक जब भी ओपन होता है तब आपको सेल्फ स्टार्ट देके चालू करने का ज़रूरत नहीं, जैसे ही एक्सीलेटर दोगे वैसे ही गाड़ी अपने आप शुरू हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है वो आपको मैं जब टेस्ट राइड लूँगा तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। और इस तरफ के हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक हॉर्न का स्विच देखने को मिलेगा, साथ में टर्न इंडिकेशन यहाँ पे भी दिखाएगा, तो यहाँ पे टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन है। और एक और स्विच है जो हाई बीम लो बीम करने के लिए है। तो प्लास्टिक वगैरह का क्वालिटी काफ़ी अच्छी, ये एक कलर आपको ग्लोसी फिनिशिंग में मिल रहा है, तो लीवर्स वगैरह के भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मिरर्स वगैरह आप देख सकते हो कि काफ़ी वाइड है तो कुछ देखने में दिक्कत नहीं आ रहा है। और सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग गुड आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे नीचे चलते हुए तो इसका जो ये पूरा लॉक का सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी नया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप अभी ये स्कूटी हमारा ऑन कंडीशन में, अगर अभी मैं ऑफ़ करता हूँ ये ऑफ़ हो गया, अगर ये ऑफ़ कंडीशन में है और मैं अभी ये उसको और एक बार घुमाता हूँ तो अभी हमारा ये सीट ओपन हो गया। तो आप देख सकते हो कि सीट ओपन हो चुका है, ये हमने बंद कर दिया। और बाद में अगर आप एक बार पुश करते हो और घुमाते हो एक बार पुश करके ऑन की तरफ, तो यहाँ पे पेट्रोल का कैप ओपन हो जाएगा। तो उस तरह का पूरा फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिंगल की एंट्री से आप बहुत सारी जो भी मतलब बहुत सारे फंक्शनिंग कर सकते हो, जैसे कि सीट्स ओपन करना, पेट्रोल लॉक ओपन करना, फ्यूल का फ्यूल फिलअप का यहीं से दिया हुआ है, तो आपको जब भी फ्यूल फिलअप करवाने जाओ तो सीट्स वगैरह ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे आप मोबाइल्स वगैरह अपना रख सकते हो और बड़ी आराम से चार्जिंग करते करते स्कूटी चला सकते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा हुक भी देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हो, तो अपना थैली वगैरह लगा सकते हो, कुछ सामान वगैरह लाना है तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत स्कूटी है। आप देख रहे हो कि सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर इस तरफ चलते हुए तो जुपिटर 125cc का पूरा बेंचमार्क देखने को मिल रहा है, तो 3D एम्बोजिंग लोगो में है और ये रेड वर्ड में लिखा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कलर्स बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे नीचे जो ये जो क्रोम का गार्निशिंग आप देख रहे हो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो ये फुटपैक वगैरह का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो जो पिलियन के लिए फुटपैक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे नीचे चलते हुए तो आप ये देख सकते हो कि एग्जॉस्ट है उस पर, ये जो क्रोम का गार्निशिंग है और भी ज़रा खूबसूरत लग रहा है। और मैं अभी आपको एक और बार सीट को ओपन करके दिखा देता हूँ, तो हमने ये सीट ओपन कर दी, आप देखिए बूट स्पेस, मतलब कि आप दो हेलमेट बड़ी आराम से इसमें रख सकते हो, बहुत ही बड़ा बूट स्पेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा आप सामान यहाँ पे रख सकते हो। एक्टिवा वगैरह में आपको हाफ़ ही मिलता है, हाफ़ में पेट्रोल टैंक आता है और हाफ़ में ही आप स्टोरेज कर सकते हो, तो स्टोरेज कैपेसिटी इसका बहुत ही ज़्यादा है। और अगर मैं फ्यूल की बात करूँ तो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है, 5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इस तरफ देखते हुए तो काफ़ी अच्छा ग्लोसी फिनिशिंग में पूरा है, यहाँ पर इंजन वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे TVS का लोगो। तो इस बाइक में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलने वाला है, ओनली सेल्फ स्टार्ट ही मिलने वाला है। किक का ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जुपिटर इस तरफ, और यहाँ पे आप देखिए पीछे का सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है, गैस चार सस्पेंशन, 3-way एडजस्टेबल है, तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन, इसके सस्पेंशन बहुत ही अच्छे आते हैं जुपिटर के। फर्स्ट टाइम जुपिटर में ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आगे के टायर में देखने को मिले होंगे, बाद में जब भी एक्टिवा वगैरह और नई स्कूटी आई उन्होंने तो बाद में लॉन्च किए हुए थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जुपिटर में जब भी ये फर्स्ट मॉडल लॉन्च किया था तब से ही उन्होंने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही दिए हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे बैक लुक देखिए आप, यहाँ पर भी आपको TVS का लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे चलते हुए तो स्टॉप लैंप, और यहाँ पर साइड इंडिकेशन, और यहाँ पर नीचे चलते हुए तो यहाँ पर पूरा क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है, ये जो डिज़ाइन वगैरह दे रखी है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो भी मैंने डिफरेंस बताया तो वो दो ही डिफरेंस है, दो तीन डिफरेंस ही है, एक तो ये मिरर का डिफरेंस है, दूसरा डिस्क ब्रेक का डिफरेंस है, और तीसरा हमारा टायर्स का, जो भी मतलब जो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर, दोनों में ट्यूबलेस टायर ही मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको स्टील टायर मिलेंगे, उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे, बाकी सब कुछ फैसिलिटी सेम, एज इट इज़ है, और कुछ भी चेंज नहीं, इंजन वगैरह भी सेम देखने को मिल रहा है।
तो अगर मैं इंजन की बात करूँ तो आपको इसमें 125 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, तो मैक्सिमम पावर इसमें आपको 8.04 bhp का देखने को मिलेगा और मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें 10.5 न्यूटन मीटर का देखने को मिलेगा। तो पावर पिकअप टॉर्क काफ़ी अच्छा है और ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी काफ़ी हद तक अच्छी ही होगी। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको इसमें जो जुपिटर TVS जुपिटर 125 सीसी है, वो जो हमारा डिस्ब्रेक वाला मॉडल है, वो ऑन रोड प्राइस आपको 92,000 में अवेलेबल है। और अगर मैं डिस्ब्रेक बिना का जो मॉडल है उसकी अगर हम बात करें तो वो आपको 89,000 में अवेलेबल है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर RTO इंश्योरेंस वगैरह का टैक्सेस सब अलग अलग होता है इसके लिए, लेकिन अराउंड उसके ही आसपास का प्राइस है। जो डिस्ब्रेक बिना का मॉडल है वो आपको 2-3 हज़ार रुपये कम में मिल जाएगा और जो डिस्ब्रेक वाला है वो आपको उतने में मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। तो स्कूटी का एक बार ज़रूर टेस्ट राइड लीजिए। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा दोस्तों। आपके लिए बहुत सारे नए नए वीडियो मैं लाता रहूँगा। और आज मैं आया हुआ था TVS आगवन TVS, तो यहाँ पर गांधीनगर में है और 2-3 जगहों पर भी उनका शोरूम है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर भी दे दूँगा। अगर आपको TVS का कोई भी व्हीकल लेना है तो आप यहाँ पर आगवन TVS आ सकते हो और परचेज कर सकते हो। बहुत सारी फाइनेंस स्कीम्स वगैरह अवेलेबल है और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पीछे ऑन स्टॉक आपको जो भी व्हीकल चाहिए वो मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शोरूम काफ़ी अच्छा है। तो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चेकआउट।